ज्ञानवापी सर्वे का आज चौथा दिन है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासकों ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे किया जा रहा है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा करने की इजाज़त मांगी है, लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत अमेरिका में मिले हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित गेटी म्यूजियम के फोटोग्राफ विभाग में ज्ञानवापी मंदिर की तस्वीरें दिखाई गई हैं। म्यूजियम में लगी फोटो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ज्ञानवापी आर वेल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञानवापी ज्ञान का कुआं। वहां प्रदर्शित तस्वीरों में ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। तस्वीरों में क्या क्या मौजूद? अमेरिका में प्रदर्शित तस्वीरों को ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल बॉर्न ने साल 1868 में खींचा था। इस वक्त वे बनारस यात्रा पर भारत आए थे। ये तस्वीर आज से 155 साल पहले ज्ञानवापी की सच्चाई दिखाती है। इन तस्वीरों में तीन अलंकृत नक्काशीदार स्तंभ, अग्रिम भूमि में एक खोदी गई मेहराब के नीचे और एक नक्काशीदार मूर्ति के सामने खड़े हैं। वहीं एक अन्य तस्वीर में अलंकृत रूप से सजाई गई मूर्ति दो स्तंभों के बीच दिख रही है और तस्वीर में दिख रहा है कि मूर्ति के ठीक ऊपर घंटी लटकी हुई है। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दीवार पर बजरंग बली की नक्काशी की गई है। तस्वीर में घंटियां और अन्य हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बता दें कि संग्रहालय में सैमुअल के भारत दौरे के दौरान खींची गई तस्वीरों और नीलामी से प्राप्त किए गए 150 से अधिक तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। इन तस्वीरों में बनारस के घाट, आलमगिरी मस्जिद सहित अनेक मंदिरों और ज्ञानवापी के भीतर तथा बाहर बैठे नदी की अनेक तस्वीरें मौजूद हैं। जानकारों का क्या मानना है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सैमुअल बॉर्न के चित्रों में ज्ञानवापी की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र, हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह स्पष्ट रूप से उपस्थित दिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि ASI सर्वेक्षण ज्ञानवापी के भीतर आज भी मंदिर के बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।